देखिए, एक यूजीसी का एक न्यू अपडेट आया है जो पब्लिक नोटिस है, जो इशू हुआ है 6 जुलाई 2023 को, ठीक ना। तो देखेंगे ऊपर लिखा हुआ, प्रोफेसर मनीष आर जोशी सेक्रेटरी है यूजीसी का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का ये पब्लिक नोटिस है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सब्जेक्ट में लिखा हुआ है क्लैरिफिकेशन ऑन यूजीसी रेगुलेशन ऑन मिनिमम क्वालिफिकेशंस एंड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेज एंड मेजर्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन हायर एजुकेशन 2018 एंड फर्स्ट एंड सेकेंड अमेंडमेंट। लिख रखा है यूजीसी रेगुलेशन 2018 प्रिस्क्राइब्ड अमंग अदर थिंग्स मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेज। द मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट बाय द रेगुलेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इज नेट सेट स्लेट। हाउएवर क्लाउज 3.10 ऑफ यूजीसी रेगुलेशन 2018 आल्सो से दैट पीएचडी डिग्री शैल बी अ मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी इफेक्ट 1 जुलाई 2021। द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस कंडीशन वाज एक्सटेंडेड टिल 1 जुलाई 2023 थ्रू एन अमेंडमेंट नोटिफिकेशन नोटिफाइड ऑन 12 अक्टूबर 2021। फर्दर ऑन 1 जुलाई, यानी कि कहना ये चाह रहा है कि यूजीसी का जो रेगुलेशन था 2018 जिसमें पीएचडी के लिए मैंडेटरी किया गया था मिनिमम एलिजिबिलिटी 1 जुलाई 2021 के में जो आया था उसको फर्दर एक्सटेंड करके 1 जुलाई 2023 किया गया था, अब वो नहीं रहा। अब अल्टीमेटली यूजीसी ये कहना चाह रही है कि मिनिमम जो एलिजिबिलिटी होगा अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर मतलब कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो वो रहेगा अब जाकर के नेट सेट और स्लेट रहेगा, इसी के बेसिस पे अब आपको अपॉइंटमेंट होगी। देखेंगे यहाँ से लिखा हुआ है फर्दर ऑन 1 जुलाई 2023 दिस क्लाउज वाज अमेंडेड अगेन सेकेंड अमेंडमेंट प्रिस्क्राइब्ड नेट सेट स्लेट एज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक ना। तो इस तरह देंगे, बहुत सारे हैं यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है जो यूजीसी उसी के बारे में लिखा है। फिर लास्ट में मैं पढ़ता हूँ, बट होल्डर ऑफ पीएचडी डिग्री अवार्डेड एज पर यूजीसी रेगुलेशंस एंड इट्स अमेंडमेंट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम नेट स्लेट सेट एंड देयर बी एलिजिबल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। यानी कि ये भी है कि पीएचडी जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनका डिग्रियाँ बेकार नहीं जाएंगे, वो भी मतलब कि नेट से एग्जम्प्ट रहेंगे अब जो आया है न्यू पब्लिक नोटिस। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे, आई होप कि आप लोग को मेरी बात